बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर आर के आसेरी पदभार ग्रहण करने के बाद ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आसेरी ने सोमवार देर शाम को ही पदभार ग्रहण किया था। मंगलवार सुबह डॉक्टर आसेरी ने बाड़मेर के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाड़मेर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर आर के आसेरी पदभार ग्रहण करने के बाद ही एक्शन मोड में नजर आए। आसेरी ने सोमवार देर शाम को ही पदभार ग्रहण किया था, जिसके बाद मंगलवार सुबह डॉक्टर आसेरी ने बाड़मेर के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय अस्पताल में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नवनियुक्त प्रिंसिपल ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी एल मंसूरिया से चिकित्सालय को लेकर जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों सहित ब्लड बैंक और प्रयोगशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। नवनियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर आर के आसेरी ने बताया कि कल सोमवार शाम को ही पदभार ग्रहण किया है, उनके बाद मंगलवार को यहाँ अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि खासतौर पर कोविड-19 की व्यवस्थाओं को देखा और चिकित्सा अधिकारियों को बुलाकर उनकी बैठक भी ली। यहाँ का स्टाफ अच्छे से अपने कार्य का निर्वहन कर रहा है और कोविड-19 को लेकर रिपोर्टिंग अच्छी तरह से हो रही है और इसमें जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। शाम को यहाँ पे आया था और जो कुछ इम्पोर्टेंट जगह थी, खासतौर से कोविड से रिलेटेड जो जगह थी, इंटेंसिव केयर यूनिट वगैरह है, कुछ वार्ड्स वगैरह मैंने देखे हैं और आज मैंने सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलवाया था, उन सबसे उनका इंट्रोडक्शन भी लिया और अब मैं हॉस्पिटल का पूरा निरीक्षण करूंगा और ये देखूंगा कि वास्तव में क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे कुल मिला के जो मेरे को लगा है, यहाँ का स्टाफ बड़ा डेडिकेटेड है, सब लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और कोविड की जो रिपोर्टिंग वगैरह है सब बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इसमें जो जो भी समस्या आ रही है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी कि जो पेशेंट कोविड का आता है वो पेशेंट को अब हमें जोधपुर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए जो जो भी कमियां होगी और जिन जिन सामान की जरूरत पड़ेगी या स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उसके लिए राज्य सरकार को अवगत कराएंगे और वहाँ से प्राप्त करने के बाद में जल्दी से जल्दी ये बहुत अच्छा सेंटर बन जाए बाड़मेर मेडिकल कॉलेज, उसका प्रयास करेंगे और इसमें मुझे सभी साथियों का सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी आशा है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता कोविड-19 को लेकर रहेगी, साथ ही कहा कि बाड़मेर में कोविड-19 को लेकर चिकित्सा व्यवस्था बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा। अब किसी भी मरीज को जोधपुर रेफर ना करना पड़े और इसके लिए जिन जिन उपकरण और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उससे राज्य सरकार को अवगत कराएंगे और वहां से प्राप्त करने के बाद ये जल्द से जल्द बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अच्छा सेंटर बन जाए उसका प्रयास करेंगे।